गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर नंबर 6 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। व्हाट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हाउ वी कैन मेक द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म्ड बाय कॉन्स्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड मैथमेटिकली ऑपरेशन सिंबल्स। यानी कि कुछ वेरिएबल से और कॉन्स्टेंट से और प्लस माइनस के साइन से मिलकर के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट आर द कॉन्स्टेंट एंड व्हाट आर द वेरिएबल्स। देखिए, ये तो एक एग्जांपल की फॉर्म में मैंने एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी है, 3x माइनस 4y प्लस 2, वेयर 3 माइनस 4 आर कॉन्स्टेंट्स एंड x, y आर वेरिएबल्स। नाउ व्हाट इज द कॉन्स्टेंट्स, अ सिंबल इन एल्जेब्रा विच हैज़ अ फिक्स्ड वैल्यू, इट मीन्स हुज वैल्यू डज नॉट चेंज इज कॉल्ड अ कॉन्स्टेंट। यानी कि जो न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं दे आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, बिकॉज इट इज़ कॉन्स्टेंट वैल्यू, वी कॉन्ट चेंज इट। हम इसको अपने हिसाब से चेंज नहीं कर सकते, जो आपको क्वेश्चन में दी है वही वैल्यू लेनी पड़ेगी। न्यूमेरिक वैल्यूज आर कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स, फॉर एग्जाम्पल 8 माइनस 7 0 6 7 अपॉन 8 एटसेट्रा। यानी कि नंबर वाली कोई भी वैल्यू जो दी हुई है दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टेंट्स। नाउ वेरिएबल्स, अ सिंबल विच कैन बी असाइंड डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज। यानी कि न्यूमेरिक वैल्यू के साथ में जो एक सिंबल दिया है इज कॉल्ड अ वेरिएबल। इन एल्जेब्रा वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय द स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर टी यू। वी यूज स्मॉल लेटर्स ऑफ अल्फाबेट फॉर वेरिएबल्स। अगर वेरिएबल्स हैं तो अब ये देखिए, इट इज़ एक्सप्रेशन 3x, यानी कि x इज़ वेरिएबल एंड 3 इट्स कॉन्स्टेंट वैल्यू। माइनस 4 इज कॉन्स्टेंट एंड y इट्स वेरिएबल, 2 इज कॉन्स्टेंट वैल्यू। सो नाउ इट इज मेड बाय प्लस माइनस साइन, इनके बीच में कौन से साइन होते हैं प्लस और माइनस के, दे आर कॉल्ड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। इट इज फॉर्म्ड बाय वेरिएबल्स, कॉन्स्टेंट्स एंड मैथमेटिकली ऑपरेशन सिंबल्स, प्लस एंड माइनस। ओके Everyone, write all the part in your notebook, constants, variables. ठीक है, now 2x 3a upon 5, only 3a minus 5 upon 4, x minus y, p plus q, 2a square minus 3ab plus b square are all algebraic expression. It is an algebraic expression. It is also an algebraic expression. It is also an algebraic expression. Now, what is term? In expression, what is term? A term is a part of the expression connected to other parts of the expression by a plus or minus sign. Thus, in 3x square minus 5xy plus 8y square. In this expression, three terms. First term is 3x square, second term is minus 5xy and third term is 8y square. Plus के sign को हम लिखते नहीं हैं, पहले भी पता है। तो 3x square, minus 5xy and 8y square are all terms of the given expression. So, this expression have three terms. First term, second term and third term. Now types of expressions. First, monomial. If an expression have only one term, they are called monomial. अगर किसी भी expression में एक single term दी हुई है, इसका मतलब उसको क्या बोलते हैं, monomial. For example, 3x square, it is an expression, it has only one term.
minus mn, it is an expression, it has only one term, so it is called monomial. 1/3y, इसके बीच में यानी कि कोई भी प्लस माइनस का साइन नहीं है और ये इट हैज़ वन टर्म ओनली, सो इट इज़ कॉल्ड मोनोमियल. नाउ बाइनोमियल, इफ़ एन एक्सप्रेशन हैव टू टर्म्स दे आर कॉल्ड बाइनोमियल. अगर किसी टर्म में, किसी एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होती हैं, यानी कि इफ़ एन एक्सप्रेशन हैव टू टर्म्स देन द नेम ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज बाइनोमियल. For example, 3x square minus y, it is an expression, it has two terms. First term is 3x square, second term is minus y. So it is called binomial. In this expression, 5xy plus 7y square, it has two terms, 5xy and 7y square. So it is called binomial. Now, 3ab minus 4b, it has two terms, 3ab. Next is minus 4b, so it is binomial. 8 plus 3p, it has two terms. First term is 8, second is 3p, so it is called binomial. If an expression has one term, it is called monomial. If an expression has two terms, it is called binomial. Number 3, trinomial. In an expression have three terms, they are called trinomial. If an expression have three terms, for example, 2x square minus 3xy plus y square. In this expression, it has three terms. First term is 2x square, second is minus 3xy, third is y square. So it is called trinomial. 3pq minus 4p square minus 3q square. 3pq, in this expression, it has three terms. 3pq first term, second term is minus 4p square, third term is minus 3q square, so it is called trinomial. Now 5ab square minus 2a minus 3b, it has three terms, 5ab square, second minus 2a, third 3b, minus 3b, so it is called trinomial expression. Compound expression or polynomial is an expression of two or more terms, for example, जिसकी ज़्यादा terms होती हैं, that is called polynomial or compound expression. For example, 5a minus 2b plus 8a square minus 7. Clear? Now start. Now exercise 5, 6a we will start in next video.